कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर व्हाइट पेपर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना ब्लैक पेपर पेश कर दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 10 सालों में विपक्ष के 411 विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया है, वे डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष किया, कहा हमारे विकास को किसी की नजर ना लगे, इसलिए कांग्रेस का ब्लैक पेपर दरअसल काला टीका है। पाकिस्तान में चुनाव के लिए वोटिंग, पीएम की रेस में नवाज शरीफ सबसे आगे। वोटर्स को इमरान की पार्टी ज्यादा पसंद, लेकिन एक सिंबल ना होने की वजह से कंफ्यूजन। ज्यादातर चुनावी सर्वे में इमरान की पार्टी नंबर 1, शरीफ नंबर 2 पर तो जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर है, जबकि भुट्टो की पीपीपी चौथे नंबर पर। आपके लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट जस की तस 6.5% पर बनी हुई है। हर 2 महीने में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी ईडी पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जल बोर्ड के कथित घोटाले में एजेंसी को एक भी सबूत नहीं मिला है, न ही एक पैसा मिला, इसीलिए पार्टी अब ईडी पर मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आपके कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी ने रेड डाली थी। दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने प्रगति मैदान के टनल बनाने वाली कंपनी एलएनटी को 500 करोड़ रुपए का नोटिस जमा दिया है। कंपनी को प्रगति मैदान टनल की मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। बताया गया है कि टनल में जगह जगह दीवारों से पानी लीक हो रहा है। टनल और अंडरपास में कई जगहों पर दरारें भी हैं। भीतर का ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, जिस वजह से पानी भरा रहता है और जाम लगा रहता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का उद्घाटन।